ठीक है, आपको मैं देखता हूँ, बाद में आपके साथ बात करूँगा। आंसर का सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन का आंसर ही मत देने के लिए, राइट? समझ में आ रहा है? उधर में कोई डिस्कशन ही नहीं, सिर्फ आपको एक दिमाग में रखना पड़ेगा, मुझको ये फॉर्मेट बताया गया, ये सारे को बोल रहा है, बीच में अगर कोई प्रॉब्लम खड़ा किया आइदर उसको निकाल के बाहर कर देंगे या उसको बताएंगे आप बैठिए बाद में आपसे बातचीत करते हैं। समझ में आ रहा है? राइट, अगर कोई फिर भी अगर आपके साथ ऐसे मतलब गलत व्यवहार कर रहे हैं तो एसोसिएट को बोल दीजिए प्लीज उसको उठाने के लिए थोड़ा हेल्प कीजिए, वहां ले जाने के लिए थोड़ा हेल्प कीजिए, बताइए सर, नो प्रॉब्लम। उसका क्वेश्चन का आंसर ही मत देने के लिए जाओ, समझ में आ रहा है? हॉल स्ट्रीपी में आपका मेन एम है कि आपको फॉर्मेट को, एक आदमी आपका लक्ष्य नहीं है, पूरे लोग उधर बैठे हैं, वो सारे लोग आपके लक्ष्य, वो सारे लोगों को समझाना, समझ में आ रहा है? लेकिन ये एक फॉर्मल चीज, इससे आप स्ट्रीपी नहीं सीखोगे, प्रॉपर जो कन्विंसिंग पावर होता है, स्किल लेवल जो होता है, ये स्किल आप इधर से नहीं होगा, हॉल से नहीं होगा, स्किल होगा 1:1, 2:1, 3:1, ऐसा स्ट्रीपी से आपका स्किल लेवल होगा। हम लोगों का लक्ष्य क्या है, आज कौन अच्छा स्ट्रीपी सिखा पाएगा अपने टीम को, अपने टीम को वही अच्छा स्ट्रीपी सिखा पाएगा जो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीपी किया, यस और नो? जिसका स्किल नहीं है, जो स्किलफुल नहीं है, वो कैसे सिखा पाएगा? एक बाथरूम सिंगर करके आपको सिंगिंग सिखा पाएगा? लता मंगेशकर कैन टीच यू, आशा भोसले कैन टीच यू, ये आपको टीच कर सकता है, लेकिन एक बाथरूम सिंगर कभी आपको सिंगिंग नहीं सिखा पाएगा। एक हाईएस्ट पोजीशन में जो बैठा है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा सीख पाएगा, क्योंकि वो काम खुद करता है, जो काम हम लोग खुद करते हैं उसी चीज को हम लोग सिखा पाते, समझ में आ रहा है? इसीलिए किसी को एसटीपी सिखाने से पहले खुद सीखो, सीखो मतलब ट्रेनिंग में आना नहीं, कोई भी चीज सीखा जाता है 80% सीखा जाता है, कोई भी चीज के बारे में 80% सीखा जाता है थ्रू प्रैक्टिकल सेशन, विदाउट डूइंग प्रैक्टिकल आप जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाओ, समझ में आ रहा है? मैंने कई बार, मैं जब अपने एसटीपी शुरुआत किया था, राइट, मुझको ऐसा फॉर्मेट दिया गया था, फॉर्मेट लिख ऐसे लिखी, राइट, मतलब राइटिंग फॉर्मेट दिया गया था, ये बोलना ये बोलना ये बोलना ये बोलना बोलना, राइट, रेगुलर मैं एसटीपी का एक भी सेशन मैं मिस नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास एक चैलेंज हो गया था, मेरे को एसटीपी सीखना ही है किसी भी, ऐसे 200-300 के हॉल में मैं पीछे बैठ के ऐसे नोट डाउन करता था, या तो सामने बैठ के मैं नोट डाउन करता था, हर वक्त नोट डाउन करता था रेगुलर, तो एक फॉर्मेट निकल गया, फॉर्मेट को पढ़ता रहा, पूरा याद करके गया, नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में एसटीपी है, नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में जब एसटीपी है, एसटीपी क्या, मेरा पहला एसटीपी हुआ 5 मिनट का, 5 मिनट में मैं अपना एसटीपी खत्म कर दिया, फर्स्ट एसटीपी, दैट वाज माय फर्स्ट एसटीपी, वो भी इतने सारे थ्योरेटिकल प्रिपरेशन लेने के बावजूद भी, मैं पढ़ के गया, नहीं, ट्रेनिंग लेता गया, डायरी का पेज से उल्टा कर गया कि कितने सारे ट्रेनिंग मैंने लिए, सब कुछ देखा, फॉर्मेट को भरा, याद किया, रात को सुबह जब बोला 5 मिनट में खत्म, मतलब थ्योरी काम नहीं करता, थ्योरी काम नहीं करता है, थ्योरी डोंट वर्क, डज नॉट वर्क, काम नहीं करता है थ्योरी, काम नहीं करेगा, प्रैक्टिकल चीज आपका काम करेगा। आप जितना ज्यादा मार्केट में 1:1, 1:2, 1:4, 1:5 एसटीपी करोगे वही काम करेगा आपका, समझ में आ रहा है? और आप भगवान से रेगुलरली प्रे करो कि आपके सामने ऐसा इंसान बैठे जो आपके साथ आपका टक्कर दे सकता है, टॉप टॉप क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑलवेज इसको प्रे करो, क्योंकि ये स्किल लेवल, ये जो मैं चीज बता, देखो भाई तुम्हारा ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा तो बिजनेस डेवलप 100% होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट चाहिए, ये मैच्योरिटी चाहिए, इसका मैच्योरिटी बढ़ गया तो 100% तुम्हारा बिजनेस डेवलप हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई पार्थव में कोई सुरजीत अधिकारी कोई किशन होते किसी का जरूरत नहीं, समझ पा रहा है? हम लोगों का कौन सा किशन मिला था, हम लोगों का कौन सा पार्थव नहीं मिला था, कौन सा किनको मिला, कैसे हो गया हम लोग फ्रॉम रेट, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट कोने में टीम बनाया, कैसे हो गया, कैसे आसाम पे जाकर एक भी सेंटर नहीं था, 500 स्टूडेंट बन गया उधर सेंटर का पेशर हो रहा है, जिंदगी में किसी ने नहीं सिखाया हाउ टू ओपन एन सेंटर, हाउ टू ओपन ए सेंटर किसी ने नहीं सिखाया, समझ में आ रहा है? जिंदगी में ओपन ही नहीं किया किसी ने कोई सेंटर, सेंटर होगा कि नहीं वो भी नहीं जाता था, गया था एसटीपी करने में सिलचर में, उधर में जाकर राइट बोले कि सेंटर होगा, बोल दिया सेंटर होगा, अभी मैं तो मतलब देखो जब कोई बात झूठ बोलोगे तो डेफिनेटली अंदर से वीकनेस आएगा, ये सर नो, जब तुम कोई झूठ बात बोलोगे तो अंदर से वीकनेस फील होगा तुम्हारा, राइट, वो स्ट्रेंथ वो कमजोर हो जाओगे, तो जब मुझे हाँ सेंटर हो जाएगा, तब मैंने सोचा कि सेंटर तो मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने कमिट किया, राइट, अभी स्टूडेंट का स्टूडेंट बढ़ते जा रहा है, फिर जाके स्टूडेंट बना 250 स्टूडेंट बन गया, अभी देखा सेंटर बनाना है, सेंटर का पैसा आ रहा है, कंपनी को फोन किया, तब तो ऐसा सीरियस नहीं था, कंपनी बोला 2 लाख रुपया लगेगा, बोला 2 लाख कहां से लेके आएंगे, तब का सिस्टम, आज ऐसा सिस्टम नहीं, किसी भी जगह टाइप बनाना, बोला 2 लाख रुपया लगेगा, मैं दो लाख लगेगा, पार्थो को फोन किया, वो एमबीडी से बातचीत किया, बोले 2 लाख रुपया लगेगा,
फ्रेंचाइजी की। अभी क्या करूं, फिर जाके टाई अप सेंटर बनाने के लिए कुछ में गया सर। टाई अप सेंटर तो तब तो कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो टाई अप सेंटर में गया सर, डरा डरा एप्टीट्यूड लेकर, सर आप क्या हम लोग के साथ काम करोगे? तो जो होना चाहिए वो अच्छा वैसा आदमी था, राइट, वो तो बोला ठीक है काम करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ना कर दिया। लेकिन हम लोग जो मैसेज सुना था कि हाँ काम करेंगे, उसको ही इनकेस किया एसटीपी में कि हम लोग का सेंटर बनने जा रहा है उस इलाके में, वो जो आईटी है उस जगह में आपका क्लास होगा, आप लोग चले जाइए उधर, उधर में आपका क्लास होगा, राइट। और हम लोग इसलिए बताते कमिंग सून, ओपनिंग सून, वेरी शॉर्ट टाइम, विद इन वेरी शॉर्ट टाइम हम लोग का सेंटर ओपन होने जा रहा है। ये करते करते क्या हुआ, कुछ कुछ गार्जियन लोग सेंटर में चला गई, कैसे प्रोसेस है वो भी पता नहीं, मेल करना पड़ता है, तब इंजीनियर था लेकिन मेल भी नहीं किया कभी किसी, राइट। हम लोगों का कॉलेज में, मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था कॉलेज में, इंटरनेट आया 2004 या 2004-05, कंप्यूटर आ गया था, इंटरनेट नहीं आया, राइट। आज ब्रॉडबैंड है, जीपीएस है, कितने सारे कनेक्शन है, मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर में, कोई बोल रहा है, मेरा दोस्त बोल रहा है, कोई कंप्यूटर का जो विंडो होता है, विंडो के कोने में जो स्टार्ट बटन ऐसे घूमता है ना, ये गोल करके धरती ऐसे हाथ की तरफ घूमता है, तो जब घूरेगा, जब घूमेगा मतलब तुम समझ लो इंटरनेट चल रहा है, ये सब बोल सकते हैं। आज तो देखते हो नीचे जो दो टीवी के वहां भी, कंप्यूटर के वहां डिस्प्ले के वहां भी दो आता है, वो एक्चुअली इंडिकेशन देता है कि इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं, लेकिन पहले समझते नहीं थे, वही विंडो के कोने में वो धरती घूम रहा है मतलब इंटरनेट चल रहा है। इसको इन्वेस्ट करना है तो इसको आप बोलिए कि आईटीसीएम कोर्स करने के लिए जाओगे 8,000 में कितना सारा नॉलेज, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जाओगे 4 साल में 2.5 लाख, वो भी इंटरनेट का नॉलेज पॉपुलरिटी देगा, कितना बड़ा लॉस है, यू हैव टू प्रोटेक्ट द लॉस। ये सिस्टम बोल रहा है इस लॉस को आप प्रोटेक्ट करो, लाख लाख लोग ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो लोग सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं, राइट, वो लोग इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे, वो लोग सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं, यस और नो? तो इंजीनियरिंग पढ़ने 4 साल खत्म, 4 साल बर्बाद करने का क्या जरूरत है, बिहार में चले जाओ, उधर में पैसा तो सर्टिफिकेट मिल जाए, ऐसा बेकार नाटक करके तो कुछ फायदा नहीं है। उस जगह से स्मार्ट वे में हम लोगों को बेहतरीन जगह दे चुका है, ये सर कि 6 महीने में कम से कम आपको क्लास करवाता है, अगर क्लास नहीं दिया तो आपके अंदर एक क्वेश्चन करने का एक पावर भी देता है कि यू कैन क्रिएट ए क्वेश्चन, राइट, कि मेरे को क्यों सेंटर में अच्छा फीचर भी नहीं मिला। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हो गए तो क्वेश्चन करने का जगह भी नहीं देगा तुम, सचमुच हम लोग का ना लैब फैसिलिटी था पापा ने, पापा लैब फैसिलिटी नहीं था, टीचर लैब चालू होता था 1 महीना पहले, समझ में आ रहा है, जब एक्सटर्नल आ रहा है लैब को देखने के लिए तब जाके इंजीनियरिंग सब लैपटॉप बना दिया, बस हो गया, समझ में आ रहा है। उधर में तुम क्या क्वेश्चन करोगे, क्योंकि तुम पैसा दे चुके हो, लाखों पैसा दे चुके हो, क्या करोगे, कुछ कर नहीं पाओगे, ये सर लो। तो मॉडर्न में कैसे प्लेटफॉर्म है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वी आर रेडी टू फेस द क्वेश्चन, हम लोग रेडी भी है तुमको सॉल्यूशन देने के लिए भी। दुनिया का ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बताओ जहां पे तुम क्वेश्चन कर सकते हो और जहां पे लोग राजी भी है उसका सॉल्यूशन करने के लिए, दिखाओ एक प्लेटफॉर्म, वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म, यस और नो? लोग लाख लाख रुपया खर्चा करते हैं क्वेश्चन नहीं कर पाते, 8,000 रुपया खर्चा करने के बाद कितने सारे क्वेश्चन पूछने का हम लोग इजाजत देते, यस और नो? बताओ, इससे ही तो बताना पड़ेगा। तो वो आसाम में गए थे, प्रॉब्लम क्या होता, वो जो सेंटर ओनर उसके पास तो सभी लोग चले गए, राइट, के सेंटर होगा सेंटर होगा सेंटर होगा, तो परेशान हो गया कि कुछ भी नहीं हुआ, लोग सब उसके घर में जा रहे हैं, घर पर है, नेक्स्ट दिन पेपर में पब्लिश कर दिया, नेक्स्ट दिन पेपर में पब्लिश कर दिया कि हम लोगों के साथ एशियन पैसिफिक बोल के तब तक वाइसस था, इस बोल के किसी का साथ कोई टाइप नहीं, नो टाइप। अभी मैं था हैदराबाद में, राइट, उधर से एक एमसी बोल गया, सुजीत दा मतलब धमाका न्यूज निकल गया, मैंने क्या बोला, अच्छा खतरनाक न्यूज आया, क्या न्यूज, बोले ऐसे पेपर में पब्लिश हो गई, मैंने सोचा गया अभी 250 लोग मेरे को पीटेगा, ऐसा सिचुएशन हुआ था, मतलब क्या करो क्या करो, ये जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, कौन था इसका सोल्यूशन करने की, आज आप लोगों का छोटा सोल्यूशन होता है पढ़ता था सेंटर टाइम, पढ़ता था सेंटर में पेमेंट ना मिल नहीं रहा, होता है कि नहीं, छोटा छोटा चीज के लिए हम लोग आंसर 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 मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं, छोटा छोटा चीज, राइट, ये चीज हम लोग झेला है मार्केटिंग, समझ में आ रहा है, क्वालिटी प्रोस्पेक्ट अंग्रेजी में, मार्केटिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेशन साइड बैठा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं हिंदी में आंसर दे रहा हूँ, मैं तो देखा तो खतरनाक सिचुएशन है, अभी मेरे को फिर इंग्रेजी सीखना पड़ेगा,
सीनियर बोला था एसटीपीसी को, बताया नहीं था इंग्रेजी हुआ ऐसा प्रॉब्लम सीनियर में एसटीपी करने के लिए गए जो लोग उधर बैठे थे आइडेंटिफाई मतलब कितने लोगों को बैठाया गया जिन लोग उन लोगों को बैठाया गया मतलब जो लोग हिंदी समझते जब एसटीपी करना चालू किया तब बोला कि इंग्रेजी इंग्रेजी बोल रहा है इंग्लिश बोल रहे हैं समझ में आ रहा है अभी इधर एसटीपी कर रहे इंग्रेजी तो बोलना नहीं आता है फ्लुएंटली नहीं है कैसे बोलूं समझ में आ रहा ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा टॉप टॉप की सिचुएशन जिसका कोई सोल्यूशन नहीं तुम्हारा फेस करो तभी तो जाकर ब्रेन का मैच्योरिटी होगा राइट शरीर में जितना पेन दोगे बॉडी उतना डेवलप होगा बॉडी बिल्डिंग सिक्स पैक कैसे निकल जाएगा तुम निकलना चाहते हो सिक्स पैक नहीं निकलेगा पेट निकल जाएगा सिक्स पैक तभी जाके निकलेगा तब जाकर तुम शरीर में पेन दोगे पेन वैसे जब तुम्हारा दिमाग में पेन होगा इधर में सर दर्द होगा समझ में आ रहा है ना जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उसी जगह से तुम्हारा ब्रेन का डेवलपमेंट होगा इधर पे सिक्स पैक तैयार हो जाएगा दिमाग का बत्ती जल जाएगा तुमको एज एन अचीवर तुमको ये बनना नहीं है सोल्यूशन गेटर राइट तुमको बनना है सोल्यूशन गिवर उसका सोल्यूशन बताओ ना कौन सा तो जो बताया एसटीपी करने के लिए आपने क्या सोल्यूशन दिया इंग्लिश जो था हाँ उस टाइम तो फेल हो गया फेल तो करना पड़ेगा उस टाइम तो पता नहीं पाए उस टाइम तो फेल तो करना ही पड़ेगा अभी नेक्स्ट टाइम क्या होता सुनो नेक्स्ट टाइम जब सिलो में प्रोग्राम करके गए उसका सोल्यूशन तो करना पड़ेगा क्या सोल्यूशन करूँ ठीक है मैंने अपने असिस्टेंट को सिखा दिया ठीक है तुमको एसटीपी के पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना है क्या अपना एसटीपी अरेंजमेंट ऐसे लोग पीछे बैठे सामने कुछ लोग बैठे प्रोस्पेक्ट तो जानते नहीं पीछे लोग एसोसिएट है ठीक है तो मैंने बताया कि आज के ये प्रोग्राम तो सामने लोग बोला इंग्लिश में बताओ मैंने बोला देखिए इधर में तो बहुत सारे लोग बाकी है थोड़ा सभी लोगों का डिमांड जान लेते सब कुछ तुम्हारा अंदर मिलेगा एवरीथिंग
अपेल ऊपर से नीचे गिर रहा है राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स तुमने क्यों नहीं डिस्कवर किया? क्योंकि अपेल ऊपर से नीचे पड़ रहा है इसको लेकर एक इंसान ने सोचा था, दिस तुमने नहीं सोचा, तुम अगर सोचा तुम न्यूटन बन जाते। समझ में आ रहा है? सोचो ना, कोई प्रॉब्लम सोचो ना, सॉल्यूशन 100% ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम हम लोग फेस करते थे, डिफरेंट कैटर। ये सेंटर पे मैंने आप लोगों को सिखाया जाता है सेंटर को कैसे हैंडलिंग करना है। आपको किसने सिखाया सेंटर को कैसे हैंडलिंग करना है? 10-12 सेंटर में गया, सब सेंटर ना करते, फिर रात में जाकर सोचा कैसे फॉलो अप करना, देखो कैसे करना है। समझ में आ रहा है? फिर देखा कि सेंटर तो टाइप हो जाता है, फिर उसका एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि पहले मैंने भी बहुत पैसा राइट, पहले मैंने से मुझे पैसा मिलता जाएगा। अभी सेंटर पेमेंट आता है 3 महीना लेट, अभी मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी सेंटर पेमेंट का सेंटर के ओनर के साथ जब बातचीत करूंगा बिफोर गोइंग टू ओपन अ न्यू सेंटर, तब तक ये भी बोल देना है कि आपको 3 महीना का एक इन्वेस्टमेंट लगेगा, 3 महीने में आपको कोई चेक नहीं दिया जाएगा, 3 महीने के बाद आपका चेक स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने कोई बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये जो 3 महीने का जो इन्वेस्टमेंट पैसा आपको नहीं मिला यही आपका इन्वेस्टमेंट है। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब हर एक सॉल्यूशन कैसे निकलता है, एक प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम को लेकर हम लोग सोचते हैं, यस, जब प्रॉब्लम को लेकर आप लोग सोचते हैं तब एक सॉल्यूशन आता है, यस और नो? यस। तो एक सॉल्यूशन बनने के लिए यू नीड टू फेस द प्रॉब्लम, यस और नो? यस। जब प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसके साथ साथ तुमको सोचना जरूरी है राइट, और जब ये हो जाएगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन पांच हो जाएगा, देन यू विल बिकम ए स्किलफुल प्लेयर, स्किलफुल प्लेयर बन जाओ, कोई तुमको रोक नहीं पाएगा। जितना प्रॉब्लम फेस करोगे उतना ही तुम्हारा स्किल डेवलप होगा राइट। सामने जितना प्रॉब्लम होगा सिर्फ दिल से एक ही बोलो, आओ ना। कितना प्रॉब्लम आ सकता है सब कुछ चलेंगे, ऐसे पावर फुल करने तैयार, सिर्फ प्रॉब्लम वही तुमको बना देगा। तो जो भी हो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं अभी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टीम बिल्डिंग राइट। टीम बिल्डिंग, हाउ टू बिल्ड अ टीम, टीम बिल्डिंग कैसे किया जाता है, डिफरेंट तरीके से टीम बिल्डिंग किया जाता है, मिस कमिटमेंट से, मिस कमिटमेंट से टीम बनाया जाता है, ये सब लोग उसमें भी टीम बिल्ड करता है, बिल्कुल बिल्ड कर सकते हैं हम लोग। किसी को बोल दिया भाई तुम एक हाथ में 8,000 दोगे, एक हफ्ते बाद 10,000 मिलेगा, इस टीम करने का जरूरत नहीं, टीम ऐसे मिलना हो जाएगा, ये सब लोग ऐसे भी टीम बनाया जा सकता है राइट, और ऑनेस्ट प्रोसेस से भी टीम बना सकता है। तुमको समझना है कि मुझे किस प्रोसेस से टीम बनाना होगा। चंदन खबर तो देखो भाई, ये टीम बनाना है मतलब क्या है, माता नहीं है क्या? एक आदमी अकेले के दम पर एक जगह एक मंजिल तक जा सकता है राइट, लेकिन वो अगर नीचे में अगर प्रॉपर सफिशियंट अगर एसोसिएट सफिशियंट क्वालिटी एसोसिएट क्रिएट नहीं कर पाया जो उसके बदले में भी वर्क को कंटिन्यू कर सकता है राइट, तब जाके मतलब ये अगर नहीं कर पाए तो मतलब उसका बिल्डिंग ही नहीं किया। समझ में आ रहा है मेरे को? टीम बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए कि टीम बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए कि आप नहीं हो, आप सिस्टम में नहीं हो, लेकिन आपके सिस्टम में कुछ लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। आपका जनरोलॉजी इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपके टीम में कितने लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा है, आपका जनरोलॉजी डिपेंड करेगा कि आपके टीम में कितना जनरोलॉजी ऐसे ऐसे है जो विदाउट यू काम करने का एक डिसीजन लेगा। समझ में आ रहा है मेरे को? जितना आपके टीम में जितना ऐसे स्ट्रॉन्ग जनरोलॉजी है, आपका जनरोलॉजी हो सकता है किसी एक्स वाई जेड से शुरुआत हुआ है राइट, एक्चुअल जनरोलॉजी कब से शुरुआत होता है, जब आप देखोगे कि ऐसा कुछ आदमी है, ऐसे कुछ एसोसिएट है जो अपने बलबूते पर काम को आगे लेके जाना चाहता है, वो अपने दम पे आगे लेके जाना चाहता है और कर भी रहा है, ये है आपका एक्चुअल जनरोलॉजी। सपोज आपके टीम स्ट्रेंथ है 100, लेकिन आपके एक्चुअल टीम स्ट्रेंथ अगर 2 बंदा काम कर रहा है सभी टेबल में, एक्चुअल टीम स्ट्रेंथ इज 2 नॉट 100। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं तब आपको पता चलेगा एक बिजनेस का मेजरमेंट कौन कितना अच्छा बिजनेस करेगा, ये 6 महीना 7 महीना 8 महीने में कभी समझा नहीं जाता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल में कभी इसको आप जान नहीं कर सकोगे कौन कितना अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है राइट। ये सारे चीज आप 3 साल के एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कभी आप जांच नहीं कर पाओगे कि वो अच्छा बिजनेसमैन है मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, इट्स ए प्रोसेस, धीरे धीरे देखोगे। अगर आप सिस्टमेटिक वे में काम करते गए तो हो सकता है आपका इनिशियल लेवल में रिजल्ट कम होगा, लेकिन जब जो रिजल्ट धीरे धीरे आता है, जो बिल्डिंग धीरे धीरे होता है, वही सबसे मजबूत होता है। आज की डेट में आप देखो ना, आपके घर, आप अपना घर बनाते हो कितना समय लगता है, 1 साल, आप 1 साल में घर बनाते हो, इसीलिए 50 साल जाने के बाद उसको फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ताजमहल उस कितने दिन से बनाया गया, 40 साल 50 साल लगाया गया तो उस ताजमहल बनाने के लिए, इस वजह से 400 साल हो जाने के बावजूद भी अभी ताजमहल वही के वही है, ये सब नो। जो चीज बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा उस चीज का डेवलपमेंट भी, उस चीज का स्टेबल फैक्टर भी सबसे ज्यादा रहेगा।
मैं जब बिजनेस करने आया था, मेरे टीम में 3000 मेरे साथ, मेरे इलाके में 3000 लोग एडमिशन लिए थे, मेरे टीम में नहीं, मेरे को छोड़कर, मेरे इलाके में छोटा सा तालुका है, तालुका का तालुका बोल सकते हो, पोपट डिस्ट्रिक्ट है, तालुका बोल सकता हूँ, सब डिविजन, छोटा सा तालुका है, एक तालुका में 3000 लोग एडमिशन लेना मतलब बहुत काफी अच्छा बिजनेस हो चुका है, ये सुन लो, काफी अच्छा बिजनेस हो चुका है, संगमनेर तालुका में अगर 3000 लोग एडमिशन लिया, मतलब घर घर में चला जाएगा स्मार्ट वर्कर का मैसेज, तब काम करना बहुत टफ है, तो ये सुन लो, हम लोग बिजनेस में तब जाके एडमिशन लिया, मैं पार्थो भी हम लोग का सभी दोस्त, तब जाके हम लोग एडमिशन लिया, काम करना डेफिनेटली टफ हुआ था हम लोग की सिचुएशन में, उस टाइम में हम लोग काम जब शुरुआत किया, मैं इंजीनियर बीटेक होल्डर पार्थो भौमिक बीएससी सब दोस्त, मेरा एक दोस्त था वो था बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसे क्वालिटी लोगों को मिलकर हम लोग बिजनेस को शुरुआत किए थे। अभी जब हम लोग करते थे काम, तब जाके देते थे, मतलब कुछ लोग ऐसे काम करते 3000 में, कुछ लोग ऐसे थे क्या वो समोसा सेल करने वाला एसोसिएट समोसा सेल करता है, कुछ लोग गोलगप्पा सेल करता है, गोलगप्पा वो कूलर लेके जा रहा है, एक इंसान को देखते थे ऐसे चश्मा पहन के सफारी पहन के हाथ में 8x20 मोबाइल लेके स्प्लेंडर प्लस लेके जा रहा है, अच्छा रहा है, और देख के डरते थे हम लोग क्या बेकार क्वालिटी बन गए, ये लोग क्लास 10 11 12 पास करके इतना कुछ अचीवमेंट कर लिया, हम लोग प्रोस्पेक्ट लेके जाते हैं, प्रोस्पेक्ट आता नहीं, कितने सारे क्वेश्चन पूछता है, और ये लोग ऐसे अचानक 10 20 50 खड़ा कर दे रहे हैं, मतलब गलती का हम लोग के अंदर है, मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हम लोग जूझते थे प्रॉब्लम कि मैं क्या करने पर हूं, मेरे की प्रॉब्लम अंदर में राइट। उस टाइम में देखा एक इंसान खरीद लिया चावल वाला, चावल बेचता था, खरीद लिया चावल सेल करता था, चावल खरीद लिया फोर व्हीलर, बाप रे बाप चावल वाला, मैं टू व्हीलर का टू व्हीलर खरीदा ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ, और चावल वाला फोर व्हीलर खरीद लिया, वो आके ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसे सुन रहा हूँ ऐसे हो गया सबसे नहीं, सबसे सीखना चाहिए भाई जिंदगी में, सबसे सीखना चाहिए, वो चाहे छोटा हो, एजुकेशन देखना नहीं चाहिए, समझ में आया, सीखा सीखता गया, प्रोग्राम नहीं दिखाया, प्रोग्राम ने दिखाया मेरा एक दोस्त सुभाषित बोल के एक लड़का था राइट, वो एक दिन वो भी मुझे नहीं दिखाया था, मैं उसके घर में गया था, मैं उसके घर में बोला था, तब जाके बोला कि वो मुझे बोला कि मैं धमाका प्रोग्राम में एडमिशन लिया, मैंने बोला क्या, बोले स्पिल ओवर मिलता है कर रहा है, बोले स्पिल ओवर मिलता है, मैंने बोला स्पिल ओवर क्या है, बोले इधर पाल से एक क्वेश्चन का आंसर नहीं था, दूसरा एक चीज दिखा दे, इधर पाल से आप तो इधर घड़ी, मैंने बोला क्या बोल रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोला एक धमाका जाएगा यहां पे बहुत इनकम होता है, मैं 3 नाम में एडमिशन लिया, फ्री में जो भी जो होता है तब तो उतना सिखाने का चीज नहीं था राइट, बोला क्या चीज है, तो मुझे प्रोग्राम दिखा, दिखाने के बाद तो 6 महीने का प्रेजेंटेशन दिमाग में घुस गया, बच्चा उम्र है 21 साल उम्र है, तब जाके पैसा तो दिमाग में घुसेगा कि है कि नहीं, दिमाग में पैसा घुसता है, 6 महीने के बाद 10,000, उस टाइम में क्या बिलीव दिया जाता था, धमाका लेवल का बिलीव नहीं, बोले आपका ज्वाइनिंग होगा दिल्ली से, ज्वाइनिंग होगा आप देख पाओगे, आप कभी जानते नहीं होते दिल्ली का बंदा एडमिशन ले लिया, आप जानोगे नहीं कोयम्बटूर का इंसान एडमिशन ले लिया, साउथ इंडिया से एडमिशन ले लिया, ऐसा ही सिस्टम पूरे चीज आप इंटरनेट पे देख पाओगे, इंटरनेट एक ऐसी सोच है, ऐसे मदद इंटरनेट एक ऐसे सोच है, इंटरनेट हैज एलिमिनेटेड द गैप बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस राइट, आप मंदिर में तिरुपति मंदिर में पूजा दोगे www.tirupati.com प्रसाद आपके घर में चला जाएगा, इंटरनेट वही तो बोल रहा हूँ, इंटरनेट को ऐसे कनेक्ट करते थे तब आईटीजन कम इंटरनेट ज्यादा, और वो सोचकर आईटीजन सेल हो जाता था, कुछ करेगा जुमला को क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मुझे बिजनेसमैन अकाउंटमेंट करता है कि मतलब किताब में, और सर्विस होल्डर अकाउंटमेंट करता है दिमाग में, किताब और दिमाग दोनों ही खतरनाक है, बोले क्यों, किताब बारिश में खत्म हो सकता है, दिमाग मेमोरी लॉस से खत्म हो सकता है, इसलिए क्या चाहिए सॉफ्टवेयर, क्या बिलीव क्या होता है, ठीक है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैशन से लोग होते उसको ही बिलीव कर जाते सर कुछ तो ठीक ही तो बोल रहे हैं राइट, सीधी घर में जाके सीख दोगे, फुल फैमिली कंपनी में फुल फैमिली को सिखा पाओगे, घर में बैठ के कंप्यूटर एजुकेशन सीख पाओगे, ये देख कर ही हम लोग एडमिशन ले लेते, समझ में आ रहा है, इंटरनेट पता नहीं, बोले 40 मेगाबाइट वेब स्पेस, बोले 40 मेगाबाइट वेब स्पेस का मतलब क्या है, बोले ग्लोबली आप इधर हो आपको कौन पाई जाते, बोले कोई नहीं, आप अपने आप को ग्लोबली रिप्लेस कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कितना नाम लिखा था, बोले 50 लोग,
100 लोग 1000 लोग, समझ में आ रहा है? तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उतना नौकरी का सुविधा नहीं, लेकिन आपका नाम अगर ग्लोबली अगर हो जाएगा तब किसी से भी आपका कॉल आ सकता है। सपोज www.yourname.com, हम लोगों के घर में बहुत सारे लोग खाना पकाता है अच्छा खाना, लेकिन पहचान नहीं। जब ग्लोबल हो जाएगा तो किसी से जगह से ऑर्डर आ सकता है, दुनिया के किसी भी जगह से ऑर्डर आ सकता है आपको क्वालिटी देखकर। समझ में आ रहा है बात? आप अपने नाम को ग्लोबल कर दिया तो बताए अपना ग्लोबल कर देंगे www.sudhir.com मैं बीटेक इंजीनियर, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नौकरी नहीं मिला, मैं बीटेक इंजीनियर ग्लोबल, सब दुनिया के सब लोग जान जाएगा, तो किसी भी जगह पे मेरा कॉल आ सकता है। खरीद लो 40 मेगावाट स्पेस। समझ रहे हो? ये जो सोच है, एक सोच बदल दे तो विद एक्स्ट्रा पैशन, छोटा चीज बट एक एक्स्ट्रा पैशन से बोलते हैं और उसी से गर्मी हो जाता था। टाइम कॉम कौन नहीं, क्या धमाका बोलते थे उस टाइम, टाइम कॉम कौन नहीं, मुझे बताया जाता था सोचो तो आप नहीं हो क्या होगा, आप नहीं हो क्या होगा, सोचो आपका पिता से पूछो कैसे चलेगा, पूरी बेटी हो जाए, फैमिली में 5 लाख करीब कर, एक तरफ बहन का शादी है, भाई के एजुकेशन। वो दो किस्म के लोग होते हैं, एक थ्योरेटिकल आपस में बातचीत करता है और एक एक्स्ट्रा पैशन देके बातचीत करता है। एडमिशन किसका ज्यादा होगा, जो पैशन देके बातचीत करता है। थ्योरेटिकल लीडर एक टाइम तक खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिकल चीज बताना पड़ेगा। टाइम को कोई नहीं बता रहा, तुम उसको सोच में लेके जाओ। समझ पा रहे हो? थ्योरेटिकल लीडर प्रैक्टिकल लीडर, इसमें डिफरेंस है। आदमी को समझना है कि उसको मैं क्या समझाना है, क्या उसको समझाना है, राइट, उसको देखना है कि वो क्या अच्छा खासा समझ सकता है, उसको ही समझाना है, कौन सा चीज वो अच्छा रिसीव कर सकता है उसको ही समझाना है, एक्स्ट्रा पैशन देकर। तब तक देखो तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा, मैसेज डुप्लीकेट हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली हम लोग एसटीपी करते हैं, फॉलो अप करते हैं, सब कुछ ट्रेनिंग देते हैं, किसके ऊपर सब कुछ क्या है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ क्या है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन बिटवीन द प्रोस्पेक्ट, कम्युनिकेशन इन बिटवीन द एसोसिएट, ये सब नो, यही तो हम लोग करते हैं, ये सब नो। जो जितना अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएगा वो उतना बड़ा लीडर बनेगा सिस्टम का। जितना अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएगा, जितना अच्छा कम्युनिकेशन मतलब मैं प्रोस्पेक्ट को कुछ समझा रहा हूँ, मैं आपके थॉट को क्या दे पा रहा हूँ, जो इस चीज को लेकर समझता है, कोशिश करता है, वो अच्छा कम्युनिकेटर है, अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है। अगर समझा नहीं तो जोर जबरदस्ती समझाऊंगा। 3 कैटेगरी का डॉक्टर मिलता है मार्केट में। एक कैटेगरी का डॉक्टर जो आपके घर में जाएगा, घर में जाके आपका पाल्स देखेगा, राइट, हो गया ठीक है, और दवाई लिख के चला जाएगा। ये है एक कैटेगरी डॉक्टर, ये है थर्ड ग्रेड डॉक्टर। सेकंड कैटेगरी का डॉक्टर बोलो आपका जाएगा, पाल्स देखेगा, ये खाना चाहिए, ये इस टाइम में खिलाना, ये इस टाइम में खिलाना। ये मिडिल कैटेगरी का डॉक्टर है, राइट। कुछ डॉक्टर ऐसे होता है, पाल्स देखेगा, अच्छा ये बीमार है, ये मेडिसिन, पेशेंट खाने का जी नहीं कर रहा, वो थप्पड़ थप्पड़ मिला के जोर जोर से खिला देता है। ये है उत्तम डॉक्टर, सबसे अच्छा डॉक्टर। समझ रहे हो? उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीनों कैटेगरी का डॉक्टर होते हैं। मार्केट में टीचर के ऐसे तीनों कैटेगरी में मिलता है, जो तुमको मार मार के सिखाएगा और जो सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। ये मैं अपना काम है, मैं समझे थे, अभी तुम समझो, राइट। ये मिडिल मैन है, मध्यम, और अधम कौन है, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा। समझ में आ रहा है? हम लोगों का काम क्या है, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं प्रोस्पेक्ट से, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एसोसिएट से, हम लोगों का काम होना चाहिए, हम लोग कम्युनिकेट से करेंगे, उसको समझा के ही छोड़ेंगे, किसी भी आदमी उसको समझा नहीं है, सिर्फ मैं अपने काम करके ड्यूटी निभा के चला या नहीं तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। ये सर ड्यूटी निभाना नहीं है, आप इधर नौकरी नहीं कर रहे हो, डोंट डू दिस बिजनेस विद ए जॉब जॉब मेंटेलिटी। वो ड्यूटी वाला चीज जॉब में होता है, इधर में कोई ड्यूटी नहीं देते हम लोग, इधर में हम लोग बिजनेस करते हैं, ये सर नो, इधर में बिजनेस करते हैं, तो जॉब मेंटेलिटी से बिजनेस मत करो, कम्युनिकेशन करो, अंदर में घुसा दो चीज को। समझ में आ रहा है? ये कम्युनिकेशन चाहिए, ये कम्युनिकेशन जो कर पाएगा बिजनेस उसका हाथ में चलाएगा। इस चीज को सिर्फ डेवलप करो, राइट, रेगुलरली सोचो कि कैसे मैं अपना स्किल को डेवलप करता हूं, स्किल डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट। और एक चीज याद रखना दोस्तों, जो मैं बता रहा था टीम बिल्डिंग, राइट, एक टीम बिल्डिंग कैसे मजबूत किया जाता है, जिससे हम लोग शुरुआत किए थे टॉपिक, टीम बिल्डिंग बार बार भटक जा रहे हैं, अपने काम पे लगे, यस और नो, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो जो बता रहा था टीम बिल्डिंग, राइट, टीम बिल्डिंग मतलब टीम में मैं कितने लोगों को कितने लोग
प्रिपेयर हो रहा है, कितने लोगों को मैं रेडी कर पा रहा हूँ अगले दिनों में काम को आगे बढ़ाने के लिए, इसको कहेंगे टीम बिल्डिंग। ये सर तो मैंने जब उस टाइम में एडमिशन लिया था जो बता रहा था मैंने, उस टाइम में अपने इंफ्रोटी कंपनी से जरूर पूछता था कि भाई मैं कर नहीं पा रहा, ये लोग कैसे कर पा रहे। लेकिन एक साल, डेढ़ साल, दो साल, तीन साल, आज क्या है, कोई नहीं, नोबडी इज देयर, वी आर ओनली वर्किंग। जिस टाइम में हम लोग इलाके में लोग काम करना बंद कर दिया, उस टाइम में पार्ट टाइम में फोर व्हीलर खरीदा, समझ में आया, उसका छह महीना बाद मैं फोर व्हीलर खरीदा, राइट। जिस टाइम कोई इनकम नहीं कर रहा, जिन लोगों को देख देख के ऐसे घबराते थे, इनका अचीवमेंट है, हम लोग कुछ नहीं है, बाइक के ईएमआई नहीं दे पा रहे, उस टाइम में हम लोग 10-10, 12 लाख का फ्लैट लिया, 24 लाख का फ्लैट लिया उस टाइम, समझ में आया मेरे को। तो आपका, आप अगर सिस्टम को मेंटेन करोगे, हो सकता है आज आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट टुमारो आप देखोगे जीत आपका ही, समझ में आ रहा है मेरे को। तो ऐसे भावनाओं में चलते सिर्फ ज्वाइनिंग करवा दिया, बस वो रिक्रूटमेंट कर दिया, ये टीम बिल्डिंग नहीं होता है। टीम बिल्डिंग एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, राइट। टीम बिल्डिंग एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। टीम बिल्डिंग कैसे होना चाहिए, सबसे पहले टीम बिल्डिंग मतलब हम लोग का अल्टीमेट एम क्या है, टाइम कंपाउंड। टाइम कंपाउंडिंग कैसे हो पाएगा, राइट। मैं किसी इंसान को एडमिशन करवाया, राइट, वो एक डिसीजन लिया कि मैं इधर में काम करूंगा, एक डिसीजन लिया, राइट। ही मेक ए डिसीजन कि मैं आई विल स्टार्ट द वर्क डिसीजन, लेकिन काम तो स्टार्ट नहीं करना, जिस दिन काम करेगा, राइट, उस दिन से होगा रियल कंपाउंड, टाइम कंपाउंड। मैं एक इंसान को एडमिशन करवाया, वो स्मार्ट वेल में एडमिशन लिया, राइट, लेने के बाद काम करना बंद कर दिया, मेरा नंबर बना लेकिन टीम नहीं हुआ, समझ में आया मेरा। टीम कैसे होता है, जब एक इंसान को हम लोग रेडी कर देते हैं कि उसका मेंटेलिटी वो रेडी है, ही इज रेडी टू गिव अनदर 10 आवर्स, ही इज रेडी टू गिव 20 आवर्स, ही इज रेडी टू गिव 50 आवर्स, ही इज रेडी टू गिव फुल टाइम, ये टाइम ही काउंट होगा टाइम कंपाउंडिंग। यस और नो, यस। कितना एडमिशन हो रहा है वहां से काउंट नहीं होगा, कितना लोगों को मैं राजी करवा पा रहा हूं, कितना लोग मेंटली प्रिपेयर है अगले दिन में और भी 10-15 घंटा देंगे। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं तो कि एक्चुअल टाइम कंपाउंडिंग कहां से होता है, जॉइनिंग से नहीं, एक्चुअल टाइम कंपाउंडिंग होता है मैं कितने सारे लोगों को माइंडसेट कर पाया। हम लोग समझते हैं कि एक आदमी का एडमिशन करने के बाद हम लोगों का काम खत्म हो गया, नो, एडमिशन क्या, काम खत्म नहीं हुआ, काम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि टाइम कंपाउंडिंग स्टार्ट होता है यहां से, एक आदमी डिसीजन लिया, एडमिशन लिया, अभी इसके बाद एक्चुअल काम स्टार्ट होता है, स्टार्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम कंपाउंडिंग के, टाइम कंपाउंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट है एडमिशन के बाद, समझ में आ रहा है मेरे बात। इस चीज का आपको समझना है, टाइम कंपाउंडिंग स्टार्ट आफ्टर द एडमिशन, बस स्टार्ट करना है। कैसे करना है, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरा अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का, एक फॉलो थ्रू सेशन का लक्ष्य होना चाहिए, मैं उनको माइंडसेट दूंगा, माइंडसेट मतलब उसका एक प्रॉपर माइंडसेट होगा जो इस बिजनेस को करेगा, ये सुन लो, चाहे फुल टाइम हो सकता है या पार्ट टाइम, मुझे ये देखना नहीं है कि कितने लोग फुल टाइम दे रहे हैं, मुझे ये देखना टाइम कितना हो रहा है, चाहे वो फुल टाइम हो चाहे वो पार्ट टाइम हो, और मेरा 10 फुल टाइमर अगर रेगुलर 10 घंटा करके दे रहे, कुल मिला के होता है 100 आवर्स, ये सुन लो, अभी मेरे पास 100 पार्ट टाइमर है, एवरीबॉडी गिविंग 2 आवर्स, तो कितना घंटा होगा, 200 रिजल्ट किसका होगा ज्यादा, 100 पार्ट टाइमर का या 10 फुल टाइमर का, 100 पार्ट टाइमर का। तो मेरा एम क्या होना चाहिए, सिर्फ फुल टाइमर नहीं पार्ट टाइमर को भी हम लोग एम होना चाहिए, समझ में आ रहा है मैडम। जो जॉब कर रहे वो भी मेरा पूरा कस्टमर है, मैं अगर उसको माइंडसेट मतलब लोग गलत समझते, माइंडसेट मतलब समझते हैं कि उसको फुल टाइम करवा देना, चाकरी छोड़वा देना, नौकरी करे उसको छोड़ दो, पढ़ाई करे छोड़ दो पढ़ाई, बिजनेस करे छोड़ दो भाई बिजनेस, ना ये आप क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट नेटवर्क, ये नेटवर्किंग नहीं है, समझ में आ रहा है मेरा। ये डिसीजन को खुद ब खुद लेगा, मैं नौकरी कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा, ये डिसीजन को खुद लेगा, मैं बिजनेस करूंगा या नहीं करूंगा, वो डिसीजन को खुद लेगा, समझ में आ रहा है मेरा। हम कौन है तो उसको डिसीजन देना, वो खुद करेगा, समझ में आ रहा है। और मैं सबको एक्सेप्ट करूंगा अपने बिजनेस में, चाहे वो पार्ट टाइम हो रहा हो चाहे वो फुल टाइम हो, मैं किसी को दबाव नहीं डालूंगा, दबाव में कोई काम नहीं होता। मैं आपको 100% बोलता, अगर पार्ट टाइम मेरे को बोलता, पढ़ाई करते वक्त मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था, मेरे को अगर बोलता इस बिजनेस को करने के लिए फुल टाइम देना चाहिए, तो फुल टाइम दे पढ़ाई को छोड़, सचमुच बोलता मैं बिजनेस को छोड़ देता, लेकिन पढ़ाई को जरूर कंटिन्यू करता, दिल से बता रहा हूं,
टाइम पर एजुकेशन करने के टाइम में अगर मेरे को अगर पर्सनल कैसे बोलता तो डेफिनेटली मैं बिजनेस को छोड़ देता, लेकिन पढ़ाई को छोड़ देता, क्योंकि एक इंसान का माइंडसेट होता है ना, आप 15 साल से एक चीज का माइंडसेट हो रहा है, आप कैसे इसको एक साल में खत्म कर सकते, इज इट पॉसिबल? संभव ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं। थैंक गॉड पार्थोमिक ने ये नहीं बताया, बोला जितना समय है वही दो, और इसी तरह धीरे 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 आप हम खुद खुद का माइंड को सेट किया। आप कौन होते हो दूसरे का माइंड प्रोग्रामिंग करने वाले, उसको लेट हिम डेवलप, उसको डेवलप करने दो अपने माइंड को, क्या करना चाहिए क्या टाइम देना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस। आपका काम है सिर्फ रेगुलर एक इनपुट देना, ये काम करते जाओ तब तक तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट मतलब क्या है, पहले तो माइंडसेट नहीं, आपको फॉलो थ्रू का क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस प्रोसेस से आप फॉलो थ्रू करोगे, किसको लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग सीखे हैं कि टाइम कंपाउंडिंग एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम फॉलो थ्रू सेशन, यस और नो? यस। फ्रॉम फॉलो थ्रू सेशन टाइम कंपाउंडिंग स्टार्ट, राइट। अभी कैसे इस फॉलो थ्रू को हम लोग कॉन्डक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, राइट, इसको थोड़ा देखना है। माइंड सेट करने के लिए मैं आप लोगों को, जो लोग न्यू अचीवर्स हो, राइट, आप लोग माइंड प्रोग्रामिंग माइंड सेटिंग इस बारे में डिस्कस ना करो तो बेहतर है। आप लोगों का जो मेन काम रहेगा, एसटीपी के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग एसटीपी को ही समझ नहीं पाते प्रॉपर, जो जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं उसको अगर प्रॉपरली नहीं समझे तो आप माइंड सेट करवा के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। मैं एडमिशन लेने का 3 महीने का वक्त, क्योंकि 6 महीने में कितने रुपये इनकम होता है वो 6 महीने का प्रोजेक्शन दिखा नहीं पाता, राइट, लेकिन दो बात का तो कोई फायदा नहीं। दोनों आदमी दो जगह से काम कर सकते हैं, और इन्फ्लेक्चुएशन, तो इन्फ्लेक्चुएशन मतलब कुछ देर के लिए रहेगा उसके बाद मतलब जीरो हो जाएगा, और एक होता है रियल एक्साइटमेंट जो अंदर से फील करके काम करते हैं, समझ पा रहे हैं? इन्फ्लेक्चुएशन इज टेम्पोररी, वो टेम्पोररी चीज है, वो टेम्पोररी थॉट से हम लोग काम नहीं करेंगे। इनिशियली बहुत से लोग ऐसे एडमिशन लेता है, ये दिखा कर धमाका कर देंगे, वो देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, छोड़ के भी आ जाता है। आपको याद रखना है जो इंसान जितना ज्यादा छोड़ के सब कुछ आ जाता है उसका अंदर ही पॉसिबिलिटी है स्मार्ट बिल्डिंग उतना ज्यादा छोटे जाते हैं। आपके सर के ऊपर से गाइडलाइन चला जाएगा, दैट यू कैन से आई हैव परफेक्ट माय बिजनेस, समझ में आ रहा है?
अभी आप लोगों का जो टीम हो चुका है कि आपके वजह से नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट टीम तैयार हुआ है, ये सर नो। आज नासिक में हॉल चलाने के लिए किसका किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है? नोबडी इज देयर, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ता, ये सर नो। इधर में ऐसा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, कहने किसने क्या, हम लोग सपोर्ट टीम है, ये सर नो। तो लोग सपोर्ट टीम कहां कर लोगों का बिजनेस होता है, जब आप मेरी जगह मार जाओगे आपका भी बिजनेस होगा, टेक द मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो जो मैं बता रहा था, 24 घंटे के अंदर आपको किसी भी कोने में आपका टीम एडमिशन है जाना है, जाके उसके पास बैठना है 24 आवर्स के अंदर, फॉलो थ्रू आप 100% करना है। फॉलो थ्रू करना है, कैसे आप फॉलो थ्रू करोगे? फॉलो थ्रू मतलब क्या फॉलो थ्रू करोगे? इनिशियल लेवल पे बेसिक जो फॉलो थ्रू होना चाहिए वो है जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने आपने वर्बली सुना है, एडमिशन लिया है, उसका एक प्रैक्टिकल सेशन दिखाना, मतलब उसको स्मार्ट वैल्यू रिलेटेड जो प्रोजेक्ट को दिखाना पहले, मतलब डॉक्यूमेंटेशन देना, डॉक्यूमेंटेशन सप्लाई करना, डॉक्यूमेंट सप्लाई, उसको डॉक्यूमेंट सप्लाई करना है। नंबर वन परस्पेक्टस प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है भाई, डॉक्यूमेंट 100% सबके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोस्पेक्ट के साथ बातचीत करते हैं, राइट? बातचीत करना मतलब भारवाली, भारवाल उतना जिस काम नहीं करता है, भारवाल उतना भारवाली बोला हुआ कोई वर्ड उतना पावरफुल नहीं होता है जो हम लोग आपसे देखते हैं। ये कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग, जो हम लोग देखते हैं उसको ही बिलीव करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग अपने टीम में मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन फ्लो करेंगे, होगा क्या, वो लोग उतना मैच्योर नहीं है फॉलो अप करने के लिए, उतना मैच्योर नहीं है फॉलो थ्रू करने के लिए, लेकिन एक बेसिक चीज रेडी हो जाएगा, कम से कम वो अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोफाइल तो दिखा पाएगा, कम से कम अपने प्रोस्पेक्ट को दे तो दिखा पाएगा, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, कम से कम ISO 9001:2000 का सर्टिफिकेट कराएगा तो दे तो दिखा पाएगा, ये सर नो। वो उससे तुम अच्छा फॉलो अप करने का एक्सपेक्ट मत करो कि वो बहुत अच्छा फॉलो अप करेगा, नहीं, इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। हम लोगों को एक अच्छा फॉलो अप सीखने के लिए मार्केट में मिनिमम 80-90 फॉलो अप करने पर जाके तभी जाके फॉलो अप सीख पाए, राइट? थ्योरी से कुछ नहीं सीखता, मैं अभी भी बताया, प्रैक्टिकल से सीखता है, जो कभी प्रैक्टिकली काम किया वो कैसे सीख पाएगा? इसलिए उसके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो नेगेटिविटी आएगा उसको फेस करने के लिए। समझ में आ रहा है मेरे पास? तो डॉक्यूमेंटेशन सप्लाई में क्या क्या रहेगा, मास्क मैंडेटरी, क्या क्या रहेगा, एक प्रोस्पेक्टस प्रोफाइल प्रोवाइड करना, प्रोस्पेक्टस प्रोफाइल फ्लो करना, नंबर टू, राइट? उसके बाद ISO 9001:2000 सर्टिफिकेट इसको फ्लो करना, राइट? नंबर थर्ड, उनके साथ सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए, उसके बाद जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसका सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए 100% लेवल में, राइट? नंबर फोर्थ, उनके साथ कंपनी रजिस्ट्रेशन, हम लोगों के बहुत सीनियर लोगों के पास भी नहीं है, दुख की बात है ये। नंबर फाइव, LIC के साथ जो हम लोग स्मार्ट वैल्यू क्या है, एक कॉर्पोरेट एजेंट है LIC का, वी आर द कॉर्पोरेट एजेंट ऑफ स्मार्ट वैल्यू, कॉर्पोरेट ऑफ LIC, इसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रहना चाहिए, राइट? ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको फेस करना, मार्केट में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, तो इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने एसोसिएट को दे दोगे, न्यूली जॉइंट एसोसिएट को, तो देन वो लोग एक कम्फर्ट फील करेगा, यस जो बताएगा वो मेरे पास है, सारे डॉक्यूमेंट मैं दिखा सकता हूँ, कोई अगर क्वेश्चन करेगा तो मैं काउंटर अटैक कर सकता हूँ, ये सारी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, हाँ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो कवरेज का, लीडर्स की चेक, हाँ लीडर्स चेक 5-6 लीडर का चेक जो जब ये भी डॉक्यूमेंटेशन ये भी दे दो, क्योंकि सीनियर लीडर का भी जो मार्केट में जाकर फॉलो अप करेगा तो उसके लिए भी जरूरी है, सीनियर लीडर का चेक ये कब दोगे, जब वो मार्केट के फॉलो अप के लिए रेडी होगा तब जाके देगा, सीनियर का चेक का जेरोक्स कॉपी, चेक जेरोक्स वो किसी को दिखाएगा क्या, वो तो खुद 7,000-5,000 जो वो बिलीव कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सर नो, यस राइट? तो इसीलिए कम अमाउंट का चेक देगा, परफेक्ट एसोसिएट का जो क्वालिटी है उस हिसाब से चेक करोगे, तो सप्लाई करो प्रोडक्ट लिस्ट। नंबर 7 प्रोडक्ट लिस्ट, आईटीजेन का सर्टिफिकेट का जरूरत, हां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आईटीजेन का सर्टिफिकेट का जरूरत होगी, सर्टिफिकेट का जरूरत होगी, जेरॉक्स और क्या है, चलो वो तो प्रीवियस किसी का एडमिशन का फ्री फॉर्म है ना।
अरे तुम दे दो ना, तुम अपने आप को पूरा सब कुछ दे दो, अपने आप को नीचावर कर दो, भगवान तुमको प्रोटेक्ट कर दे। सर्व द पीपल भगवान मतलब गॉड विल सर्व यू, तुमको तुमको भगवान पकड़ कर लेगा। समझ रहे हो? दे ओनली हु लिव फॉर अदर, वही जिंदा रहता है जो दूसरे के लिए जीता है। ये तो सब कुछ दे दो, दे दो। आपके साथ क्वेश्चन मत पूछना कि दादा बैंक का अकाउंट ट्रांसफर कर दो। वो क्वेश्चन करने वाला था। डॉक्यूमेंट नहीं है तब तो कंप्यूटर लेके देना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट सप्लाई करना है। आईटीजन फॉर्म ना, आईलैंड फॉर्म। अरे डॉक्यूमेंट है सर, ठीक है आईलैंड फॉर्म, बिल्कुल आईलैंड फॉर्म। और क्या भाई? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अच्छी चीज होता है। ज्वाइनिंग प्रिंट आउट, तुझे ज्वाइनिंग का प्रिंट आउट आता है ना, उसका कागज हाथ में आना चाहिए। यू हैव ज्वाइन, थैंक यू मिस्टर भौमिक, है कि नहीं? थैंक यू मिस्टर भौमिक, ये जो होता है ना वेलकम मिस्टर भौमिक, ये बहुत अच्छा चीज है, इसको भी देना चाहिए। प्रिंट आउट, हम लोग तो यही काम करते थे, इनवॉइस तब निकलता नहीं था हम लोग के टाइम में, ना मनी रिसीव ना इनवॉइस, सिर्फ प्रिंट आउट, ओनली प्रिंट आउट देते थे, ये लो तुम्हारा ज्वाइनिंग। लोग कितना सब कुछ इलिटरेट था, मतलब कंप्यूटर इलिटरेट था हम लोग इतने कि वो प्रिंट आउट क्या मनी रिसिप्ट, हम लोग सोचते थे मनी रिसिप्ट भी भरकर कुछ चीज है। हां नाम लिखा है पेज में, मेरा नाम लिखा है कंप्यूटर प्रिंटिंग में लिखा है, ये होता था। तब इनवॉइस क्या था? कुछ इनवॉइस नहीं था, नथिंग, कुछ नहीं। फोटो तो भाई एक साथ दीदी दीदी को कुरियर करके भेजना पड़ता था। कि अगर देखा की सेंटर ओपन कर पाओ तब जाके सेंटर का फैसिलिटी है, तभी जाके उधर में आईटीजन प्रोवाइड करो, अदरवाइज 6999 प्रोवाइड करो। राइट, उन लोगों के पीछे टाइम दे देते थे। मैं एक मूवी देखा था, मूवी का नाम था हॉस्पिटल। मूवी में मूवी का थीम क्या था? मूवी का थीम यही था, वो एक डॉक्टर एक नर्स था, बहुत अच्छा नर्स। एक पागल आया, वो पागल एक्चुअली हीरो है, वो नर्स का जिंदगी का एंडिंग बन गया, इस पागल को मैं ठीक करूंगा, वो हीरो था। तो पागल को तो ठीक किया, लेकिन एंड रिजल्ट में देखा गया जो नर्स था वो पागल बन गया हॉस्पिटल। गांव के इंटरव्यू में जाकर काम किया, सिटी से आया सूट बूट पहन के, एक साल के बाद देखा जा रहा है वो गांव वाले सूट बूट पहन लिया। तो इधर में काम कर रहे, उधर में थोड़ा देख लेना, इनिशियल लेवल में क्वालिटी थोड़ा डेवलप करना। राइट, उधर में 60 पिल लाइन दो। राइट, उधर में जिधर में सेंटर में नहीं पाएगा उधर में। तो ये डॉक्यूमेंट सही है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्यूमेंट अगर प्रोस्पेक्ट का रहता है सब फॉर्म है, दे दो फिर तो तभी दे वो ऐसा हो जाए। ये ज्यादा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से होता प्रॉब्लम, ज्यादा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं। इट में और कुछ फॉर्म पर आए तो बोलो, तो और नहीं देंगे। तो पहला काम क्या था? सप्लाई था डॉक्यूमेंट्स ना, 24 आवर्स के अंदर जो फॉरवर्ड होगा। यह सब लोग सब लोग हैं, हम लोग टीम में हर टीम में विजिट करेंगे, इसके बाद हर अचीवर का टीम में विजिट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे उस एसोसिएट को, बेस लेवल के एसोसिएट को जो न्यूली एडमिशन किया। अगर देखा कि उन लोगों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट से नहीं मिला तो जीरो ने एडमिशन करवाया उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसका जो ऊपर में स्मार्ट अचीवर है उसको पकड़ेंगे। और मेरा मेरा क्योंकि आपके वजह से इंटर टीम को हम लोग खराब नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्मार्ट वैली प्लेटफॉर्म को लेकर खेलोगे तो असर सबके ऊपर आएगा। अगर सिर्फ आपके ऊपर आता तो अलग बात है,
लेकिन असर सबके ऊपर आए, वो देखना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है मेरे? इसको समझ लेना, आज के बाद से मैं बता रहा, आज के बाद से ये पूरा स्पाई रहेगा, स्पाई घूम घूम के देखेगा, हर टीम में घुस घुस के देखेगा, 24 घंटे का अंदर सबके पास डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ सप्लाई हो। समझ में आ रहा है? yes. तो ये पहले करना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या है, सप्लाई द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाना है वो क्या है, सेकंड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाना जो है कि मतलब हम लोग का जो एसटीपी है उस एसटीपी को फिर से एक रिवीजन करना है उसके साथ, रिवीजन ऑफ एसटीपी, शॉर्ट एसटीपी, ब्रीफ एसटीपी, और उनके बाद आपको समझाना है वैल्यू फॉर मनी कि आप एडमिशन लिया, इनवॉइस मिल गया, आपको इस पार्ट को अच्छा खासा समझाना है, मतलब आप लोगों को जो लोग अच्छी वर्ड सर माइंड चेक, ये बेसिक चीज, इसको पहले क्लियर डॉक्यूमेंट अप्लाई करना, ब्रीफ एसटीपी करना उसके सामने, और उसके बाद उनको समझाना है कि आपकी इनवॉइस मिल चुका है, आपको प्रोडक्ट मिल चुका है, आप एक ऐसी बिजनेस करने के लिए हो, एक पैसा आपको लिए लग रहा है, एक ऐसा कंपनी है 8000 रुपये आप दिए हो, 8000 रुपये के बदले में आपको कोर्स मिल चुका है, किसी भी टाइम पे आप कोर्स को कर सकते हो, इतना फ्लेक्सिबिलिटी भी रख दिया गया, आपका भी एग्जाम है 6 महीने के बाद करो, अभी ये चालू करना चाहते हो अभी करो, नो प्रॉब्लम, ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी आपको दे देता है, राइट। आप प्रोडक्ट लिए हो तो इसमें आपको इस मार्जिन मिल चुका है, जो 20,000 का कोर्स आपको इतना कंपनसेशन मिल रहा है, मतलब उनको 100% वेलफेयर मिल रही है, और उसके बदले में फ्री में क्या कह दिया उस चीज को हाईलाइट कर दिया, अनलिमिटेड बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, मतलब हम लोग इस टीम में तो उतना अच्छा बता नहीं पाते क्या वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग इस चीज को जो लोग न्यूली एडमिशन ले रहे हैं उसको बताएंगे, क्योंकि ये चीज उसके मन में एक बिलीफ क्रिएट करेगा, जो मैंने बात बताया अभी कुछ देर पहले, ये आपको एक ऐसी बिजनेस मिला कि दुनिया के किसी भी कोने से आदमी एडमिशन ले रहे हैं उसको आप देख पा रहे हो इंटरनेट में, ये बात अगर न्यूली जो एसोसिएट को बोलोगे ना, उन लोगों का बिलीफ और भी ज्यादा हो जाएगा कि इतना दिन से आप काम कर रहे थे इंटरनेट नॉन रिलेटेड वर्क, एक ऐसी वर्क जहां से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता था, आपको मार्वेलो बिजनेस मिलके एक ऐसी वर्क के साथ आपको जोड़ा गया जहां से टोटली आपको इंटरनेट से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, आप अकाउंट मेंटेन करो तो इंटरनेट जाना पड़ेगा, कितना लोग एडमिशन है तो जाना पड़ेगा, किसी को नया लोग एडमिशन करो इंटरनेट जाना पड़ेगा, मतलब आपको एक इंटरनेट नॉन रिलेटेड सब्जेक्ट से इंटरनेट रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ जुड़ चुका है, आप थे पहले एनालॉग सिस्टम में अभी डिजिटल सिस्टम में आ चुके हो, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इसके लिए दिया कितना 8000 जो करोड़ों रुपये से लोगों को नहीं मिलता है, आपकी इलाके में मारवाड़ी बिजनेसमैन सुना सोने का बिजनेसमैन करता है, सोने का बिजनेस करता है, इतना कुछ वो करोड़ रुपया कमाता तो है लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करना जानता नहीं है, इंटरनेट समझता नहीं है, ईमेल समझता नहीं है, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये भी मिल चुका है, समझ में आ रहा है मेरे, ये कंपल्सन सिस्टम में कंपल्सरी आपको सीखना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग सिखाते हैं, आप मजबूरी से ये सीखो तो ये पैसे से आप तोला नहीं जाता है, ये पैसे से आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, जो आपको मिला है एक ऐसे बिजनेस इंटरनेट बिजनेस, जैसे इस बिजनेस को करने के लिए आपको इंटरनेट जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, इंटरनेट का थॉट दे देंगे साथ में तो होगा क्या, उसका ये वैल्यू फॉर मनी कांसेप्ट वाला चीज आ जाएगा कि मैं जो मिला रिसीव मोर देन पे स्पॉट, जितना मैंने रिसीव ज्यादा किया, पैसा कम दिया पे कम किया बट रिसीव ज्यादा किया, तो वैल्यू फॉर मनी में इस चीज को तुमको बताना है, रिसीव मोर देन पे स्पॉट, समझ में आ रहा है मेरा बात, रिसीव ज्यादा किया पे, इसको समझना है वैल्यू फॉर मनी, ये काम को अगर समझा दिया बस फर्स्ट लेवल का फॉलो थ्रू कम, ये बेसिक चीज है, बस ये काम अचीवर्स लोगों को करना है, राइट। तो अभी वक्त होकर वैल्यू फॉर मनी के कॉन्सेप्ट को दिया कि कैसे स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट, कैसे इसे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, राइट, हेल्थ एजुकेशन लेकर, नारिश कैसे हेल्थ लेकर, स्मार्ट वैल्यू कैसे आप लोगों को फाइनेंशियली मतलब फ्री बनाकर कैसे आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी दे रहे, इसको सारी चीज हम लोगों को डिस्कस करना है, फर्स्ट लेवल का फॉलो थ्रू 24 घंटे का करना है, 24 घंटे का ये कंप्लीट करना है। अभी सेकंड जो है एक्चुअली क्या है, हम लोगों का मेन एम होना चाहिए रिस्क फॉलो थ्रू का, क्योंकि माइंडसेट करना, माइंडसेट मतलब ताकि वो रेडी हो जाए अगले और भी 10-20 घंटा देने के लिए सिस्टम के लिए, राइट। इसीलिए हम लोग बताते हैं कि ट्रेनिंग में हर एक को बुलाओ, हर एक को ट्रेनिंग में आना जरूरत है, क्यों, क्योंकि एक ट्रेनिंग से वो अनदर 10 घंटा देना चाहता है, मतलब और भी 10 घंटा देने का डिसीजन लेता है, दूसरा जब ट्रेनिंग मिलता है तब जाके और रेडी हो जाता है अनदर 10 घंटा देने के लिए, इसीलिए फॉलो थ्रू और ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस पे करना चाहिए, राइट, स्टेप बाय स्टेप, जिसका जो फॉलो थ्रू है, सपोज मान लो जो अचीवर है उसका एक अलग लेवल का फॉलो थ्रू होगा, फॉलो थ्रू मतलब हम लोग गलत समझते हैं, अक्सर ये सोचते हैं कि फॉलो थ्रू मतलब सिर्फ नीचे लोगों को देना पड़ेगा, जो लोग न्यूली जॉइन किया उन्होंने, नहीं, फॉलो थ्रू तो ये जो मैं ये कर रहा हूँ ये क्या, इट इज ऑल्सो ए फॉलो थ्रू, ये क्या, ये एडवांस लेवल का फॉलो थ्रू, समझ पा रहे हैं, फॉलो थ्रू एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है,
इसको रेगुलर करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप अचीव करो, इसका लेवल जितना लेवल लेवल अनुसार आपका परफॉर्मेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो बेसिक लेवल के लिए वैल्यू फॉर मनी एंड रिसीव मेथड को इस पर इसको कंडक्ट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट राइट। अभी इसके बाद का क्या सेशन होगा, ये है फर्स्ट सेशन, ये तो फर्स्ट सेशन राइट। सेकंड सेशन में डिस्कस क्या करना पड़ेगा, सेकंड सेशन जो नेगेटिविटी मिलेगा मार्केट में, जो प्रॉब्लम फेस करेंगे, ताकि वो सफिशियंट हो जाए उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, ताकि हर नेगेटिव उसको छुआ ना सके, आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे करना है, ये जो प्रोटेक्शन कैसे देना है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं। आप लोग सभी अच्छी बात सुन, मैं कुछ देर पहले क्या बताया, कुछ देर पहले बताया कि जिंदगी में छोटा छोटा सोल्यूशन अगर आप मार्केट नहीं जाओगे तब जाके आप स्किल डेवलप कभी भी नहीं होगा, ये सर सीनियर से कम्युनिकेशन रेगुलर कर लेगा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि छोटा छोटा मतलब इस वजह से सीनियर के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं करते, बहुत सारे एसोसिएट ऐसे जो सीनियर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते, तो कहता है इतना छोटा चीज के लिए नहीं करो, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मत करो राइट। लेकिन नया कुछ जानकारी भी तो कर सकते हो, ये सर दादा मैं इस चीज का डेवलपमेंट कैसे करूँ, ये कम्युनिकेशन जरूर रहेगा। सोल्यूशन नहीं मांगूंगा इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिकेशन मैं करूंगा, समझ पा रहे हैं मेरे, इसको समझना है आपको। अभी जो सेकंड लेवल का जो होगा उसको मैं आपको जो मैंने बताया जाता है कि सेकंड सेशन में हम लोग का जो फॉलो थ्रू होगा दैट इज प्रोटेक्शन रिलेटेड एंड एज वेल एज माइंडसेट रिलेटेड, यस और नो, ताकि उस बिजनेस को नेचर को वो समझ सके और अपने हिसाब से वो तैयार कर सके, मार्केट में आने वाला हर प्रॉब्लम को वो झेल सके। इसीलिए सेकंड सेशन का फॉलो थ्रू आपको पास होना चाहिए, कैसे होना चाहिए मैं नहीं सिखाऊंगा, कैसे होना चाहिए आप खुद करो, कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ, सेकंड फॉलो सेकंड सेशन का फॉलो देखिए। प्रोटेक्शन क्या चीज होता है, व्हाट इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब क्या, प्रोटेक्शन का मतलब है एक फ्यूचर में एक प्रॉब्लम होने जा रहा था, उस प्रॉब्लम को होने से पहले मैं उसको रोक दे रहा हूं राइट, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन, यस और नो, यस। एक प्रॉब्लम हो चुका है उसके बाद मैं ले रहा हूं, दैट इज नॉट द प्रोटेक्शन, समझ में आ रहा है, वो डैमेज कंट्रोल बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, डैमेज कंट्रोल। प्रोटेक्शन एक अलग चीज है, डैमेज कंट्रोल एक अलग चीज, समझ में आ रहा है मेरा, प्रोटेक्शन मतलब फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होने जा रहा है उसका एक सॉल्यूशन आज ही कर देते, एक प्रोटेक्ट देना, बाउंड्री दे देना, ताकि फ्यूचर के प्रॉब्लम को झेल सके, समझ में आया मेरा बात, हम अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रोटेक्शन ना लिया तो, प्रोटेक्शन अगर ना दिया तो उस एसोसिएट के मन में क्या-क्या चीज हो सकता है राइट। मैं इस चीज को लेकर बोलूंगा कि अगर आप सेकंड लेवल का फॉलो थ्रू नहीं करोगे, प्रोटेक्शन अगर नहीं दोगे, प्रॉपर माइंडसेट अगर नहीं दोगे, फिर उसके साथ क्या-क्या हो सकता है, समझ में आ रहा है, उसके दिल में किसके दिल में क्या ख्याल हो सकता है, वो क्या सोच सकते हैं, इसके ऊपर मैं अभी जानकारी दूंगा। अभी इसके बाद आपको ये सोचना है कि मुझे फिर करना क्या चाहिए, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर, ये सर ये हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर, प्रोस्पेक्ट को पोस्ट भी कर रहे हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर। सो पहले आपको समझना है ह्यूमन साइकोलॉजी, अभी हम लोग साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है, साइकोलॉजी का टीचर भी नहीं है, कैसे समझेंगे, ये तो हम लोग का प्रॉब्लम है राइट। लेकिन आज हम लोग काफी सारे टीम मेंटेन कर चुके हैं, ऑलरेडी एक टीम बना चुके हैं, 15-20-30-40 का टीम बना चुके हैं, कोई 100 बना, कोई 150 बना, कोई 200 बना। अभी मार्केट में काम करते करते हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक इंसान का बिहेवियर राइट विदाउट द फॉलो थ्रू कैसे होता है एंड आफ्टर द फॉलो थ्रू कैसे होता है, ये हम लोग जान चुके हैं सर लोग, यस। अगर विदाउट द फॉलो थ्रू क्या क्या हो सकता है इसको अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर ले तब हम लोग को पता चलेगा कि क्या क्या चीज बोलना चाहिए, यस और नो, यस। समझ में आ रहा है मैं आपको, फॉलो थ्रू क्या चाहिए आप बोल दोगे, नो प्रॉब्लम, ये तो फिर कॉपी टू मतलब कॉपी टू फ्लॉपी हो गया है कि नहीं, इधर बोल लो कॉपी इधर फ्लॉपी हो गया, फ्लॉपी में कॉपी हो गया, कॉपी टू फ्लॉपी नहीं, आपको समझना मुझे किस जगह क्या बोल रहा है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको लोगों को दे रहा हूँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ सोचने के लिए राइट। अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ
कि फॉलो थ्रू अगर नहीं करते, एक एसोसिएट को फॉलो थ्रू नहीं करेंगे तो क्या क्या चीज उसके साथ हो सकता है, मैं आप लोगों से सवाल करूँ, तब आप लोगों को पता चल जाएगा प्रोटेक्शन क्या होता है, क्या हो सकता है। मैं किसी को फॉलो थ्रू नहीं किया तो उसके दिल में क्या क्या कर, क्या क्या गलत काम वो कर सकता है। नेगेटिविटी मतलब स्मार्ट वैल्यू के बारे में पूरा मैसेज नहीं, वो तो मार्केट में निगेटिव देगा, ये सर लो आप अपने आप को ये देखना नहीं है कि मार्केट में कितना निगेटिव, राइट? मार्केट का निगेटिव देखकर मैं अपने आप को उलझाऊंगा, उलझ नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं देखूंगा सचमुच क्या है, मैं खुद देखूंगा, समझ में आ रहा है? कंपनी का खुद उलझा सकता है, कंपनी लिमिटेड कंपनी है, इतने सारे यूनिवर्सिटी कंपनी के साथ है, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप सभी को बता रहा हूँ, एक इंफॉर्मेशन, स्मार्ट वैल्यू कैसे कंपनी है जिसके पास मैक्सिमम कैश फ्लो होता है। राइट, आज तक इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है जिसका जिसका इतना सारा कैश फ्लो होता है। जिस कंपनी का कैश फ्लो जितना ज्यादा वो सुपर स्टेबल कंपनी है। जैसे आज बिग बाजार पकड़ लीजिए, बिग बाजार कंपनी क्या करता है, एक जगह में पहले अपना सेटअप बनाता है, उस सेटअप के लिए कितना रुपया खर्चा करते, करोड़ रुपया खर्चा करते। अभी प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हुआ तो क्या होगा, लॉस। अभी जिस जगह एक जगह 20,000 रुपए नहीं हुआ, फिर एक हफ्ते बाद 20,000 रुपए नहीं हुआ, मार्केट में हो जाएगा कॉम्पिटिशन। दोनों ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद बिजनेस को डेवलप किया। अपना बिजनेस क्या है, हम लोग नासिक में बिजनेस किए, क्या हुआ, नासिक में पहले हम लोग क्या किए, नासिक में पहले 1500 का टीम बना, उसके बाद कंपनी ने एक सेटअप दिया, ये सर लो। मतलब पैसा पहले कंपनी के पास गया, कंपनी उसके बाद उसको यूटिलाइज किया, ये सर लो। मार्केट में ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा इस तरीके से बिजनेस करते, ऐसा कैश फ्लो कहां पे होता है, पहले कैश आता है उसके बाद कंपनी क्रेडिट में पेमेंट करता है, ऐसा है क्या, मिलेगा आपको। जो पैसा है उससे पैसा ले रहा है, वो भी 2 महीना लेट, मतलब कंपनी के पास 2 महीना उस पैसा सेविंग्स हो जाता है, ये सर नो। वहां से एक एक्स्ट्रा इनकम आता है, ये सर नो। मार्केट का ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना जिसके पास इतना ज्यादा कैश फ्लो होता है। आज अगर मान लीजिए हम लोगों का 10,000 डिग्री सबमिट होता है ऑल ओवर इंडिया, 10,000 डिग्री अगर सबमिट होता है तो 10,000 × 1,000 कितना होता है, कितना होता है भाई, कितना होता है,